राधे राधे सभी को। इंदिरा एकादशी की सभी को बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसे हम इंदिरा एकादशी के नाम से जानते हैं। हर महीने हम दो एकादशियों का व्रत रखते हैं, एक कृष्ण पक्ष में आती है और एक शुक्ल पक्ष में आती है। पितरों के समय पर आने पर या पितृपक्ष जिसे हम कहते हैं उसके बीच में आने पर इस एकादशी का फल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और महत्व भी उसी तरह से बढ़ जाता है। सबसे पहले हम इंदिरा एकादशी के समय के बारे में जान लेते हैं। इंदिरा एकादशी 20 तारीख की रात को 9 बजे से शुरू होकर आज रात 21 तारीख में 11:30 बजे तक ही मानी जाएगी। समय में बदलाव होने की वजह से यह 2 दिन को अपने ऊपर लेगी, इसलिए एकादशी कल रात से शुरू होकर आज रात को खत्म होगी। अब बात कर लेते हैं इसकी विशेषता के बारे में। अगर हम शास्त्रों की बात करें या हम अपनी धार्मिक मान्यताओं के बारे में सोचें तो उनके अनुसार ये एकादशी पितरों को मोक्ष प्रदान कराने के लिए आती है। इस एकादशी का महत्व इतना ज़्यादा है कि अगर आप इसका व्रत रखेंगे और इसके किए गए नियमों को पूरी तरीके से निभाएंगे तो आपके जो पितर होते हैं वो पूरी तरीके से मोक्ष को पा लेते हैं और अपने धाम को वापस चले जाते हैं। तो क्योंकि हम ऐसी भागती दौड़ती जिंदगी का हिस्सा हैं, हम प्रॉपर व्रत नहीं रख पाते, कोई कहानी नहीं सुन पाता, कथा नहीं सुन पाता, शायद किसी के पास फ़ोन में भी कथा सुनने का टाइम नहीं होता, लेकिन क्योंकि ये 16 दिन 17 दिन पितरों के हैं और इसमें आप सभी समय निकाल कर अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, इसीलिए आपको आज के दिन में करने के लिए 3 ऐसे सिंपल टिप्स बताए जा रहे हैं जो कि आपको पूरे महीने के पितृपक्ष के आपको पूरा विशेषता के साथ फल देगा। तो जान लेते हैं ऐसे सिंपल टिप्स के बारे में। पहला टिप ये है कि आज के दिन आपको पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। ये तेल का दीपक हमारे पितरों के नाम का होता है जिससे उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है और वो आपको और आपके परिवार को शुभ आशीर्वाद देते हैं। दूसरा, हमें विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ज़रूर करना चाहिए। सभी को पता है कि विष्णु जी को एकादशी कितनी प्रिय है। कृष्ण जी जो कि विष्णु जी का ही रूप है, विष्णु जी ही हमारे भगवान हैं जो मेन एकादशी की पूजा में पूजे जाते हैं। तीसरा उपाय ये है कि शालिग्राम जो कि विष्णु जी का ही स्वरूप होता है, शालिग्राम एक पत्थर की शिला होती है जिन्हें हम शालिग्राम के नाम से जानते हैं, उन्हें हमें आज के दिन घर में जनेऊ ज़रूर धारण कराना चाहिए। अगर आप में से सभी कृष्ण जी के पास, लड्डू गोपाल जी के पास शालिग्राम को रखते हैं और उन्हें जनेऊ नहीं धारण कराते तो वो अधूरे माने जाते हैं। आप शालिग्राम को जनेऊ धारण कराइए, आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए और पीपल के पेड़ के नीचे एक तेल का दीपक जलाइए। ये तीनों टिप्स अगर आप आज के दिन कर लेते हैं तो इसका फल दुगना तिगुना और चौगुना ही माना जाएगा, क्योंकि आज की एकादशी पितरों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। ये बताए गए उपाय के लिए कोई भी निर्धारित समय नहीं है। आप रात के 11:30 बजे से पहले जब भी आपको समय लगे आप ये काम कर सकते हैं। आप सहस्त्र नाम का पाठ अपना फ़ोन खोलें और उसमें से कर लें, आप शालिग्राम को घर आएं तो फिर जनेऊ पहना दें, और पीपल का दिया वैसे भी रात को जलाया जाता है तो आप ये काम भी आराम से कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि सभी के घर में पितृ जो हैं वो अपना शुभ आशीर्वाद देकर सबको विदा हो जाएं। इसी आशा के साथ बिलीव करती हूँ मैं कि आप लोग एक ना एक उपाय ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच। राधे राधे।